दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। मेरे पास आया है वोल्टाज का एक स्टैंड फैन जो चूहा काट दिया है। इसको खोल के और उसके बाद से आपको बाइंडिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका जाली हम खोल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको चूहा काट दिया है। खोलने के बाद से इसका स्टार्टर निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं चूहा, इसकी बाइंडिंग चूहा काट दिया है, जिसके वजह से इसको बाइंडिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, खूब अच्छे से इसको कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से कटिंग कर दिया हूँ। और कटिंग करने के बाद से अब इसमें पीसीबी पेपर लगा दिया हूँ। अब पीसीबी पेपर लगाने के बाद से इसको बाइंडिंग करने हैं। बाइंडिंग करने के बाद से आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि रनिंग कॉइल मैंने डाल के इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। कितने अच्छा फिनिशिंग आया है। और बता दें आप लोग को, रनिंग कॉइल की डाटा तो ये 33 नंबर एल्युमिनियम से आपको रहेगा 240 टर्न माला बना के। और उसके बाद से मैं इसको काटन टेप लगा दे रहा हूँ। काटन टेप लगाने के बाद से उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं काटन टेप अच्छे से लगा दिया हूँ। इसके बाद से मैं स्टार्टिंग कॉइल इसमें डालूंगा। आप लोग को बता दें इसका एक से आठ में एक टर्न डलाएगा, बीच में छह स्लॉट गैप करके इसको भी भरेंगे। फिर से एक से दस में एक टर्न, एक बार फिर से एक से बारह में एक बार। आप लोग को स्टार्टिंग कॉइल डाल के उसके बाद से दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग का दोनों सेट डाल के मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। कितना फिनिशिंग कॉइल आया है। और इसके बाद से आप लोग को मैं इसको सील कर दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि मेरा क्वाइल रेडी हो गया है, सील उल के रेडी कर दिया है। और स्टार्टिंग क्वाइल भी आपका 33 नंबर एल्युमिनियम वायर से 240 टर्न रहे। अब इसको मैं पंखे में फिट करके उसके बाद से मैं चला के इसका स्पीड दिखाता हूं आप लोगों को कि कितना अच्छा स्पीड है। कंपनी की डाटा है और आप लोग भी इसी डाटे पे बाइंडिंग करिए और इसको फिटिंग करके मैं चला के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं पंखा कस के रेडी कर दिया हूं। अब इसके बाद से मैं इसको चला के उसके बाद से आपको स्पीड चेक कराता हूं। इसका स्पीड देख सकते हैं